कि कोई भी सिस्टम जब नया होता है तो यहाँ से हम अच्छी अर्निंग जो है कर सकते हैं। सो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे वैसे हैं काफी सारे लोग हैं, नितेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, थैंक यू नितेश सर कि आप हमारे सेशन में आए। मिस्टर भरत सर भी हमारे साथ जूम मीटिंग में कनेक्टेड है। और दोस्तों अगर पॉसिबल हो तो एक बार अपनी वीडियोस को आप लाइव कर लीजिए अगर आप सही डायरेक्शन में बैठे हैं तो, क्योंकि अगर फेस टू फेस गैदरिंग होती है तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है। एंड मैं देख मेरे साथ मतलब काफी सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मिस्टर शेख भी हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है जो की गुजरात में बड़े लेवल पर रॉयल की प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, काफी अच्छे लीडर है। और एक्चुअली क्या होता है जो भी हमारी समस्याएं होती हैं उन्हें थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम यहाँ पर चीजों को देखेंगे करेंगे सो कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचेंगे। तो आपका स्टार्टिंग करना बहुत जरूरी है, आप स्टार्टिंग करेंगे तभी आप चीजों को आगे देख पाएंगे। सो आप जल्दी से रिमाइंडर डाल दीजिए फिर उसके बाद यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड विशाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड आप कोशिश कीजिए इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। एंड जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएंगे उतने ज्यादा लोग यहाँ पर कनेक्ट होके इस प्लेटफॉर्म को देख पाएंगे। आपके थ्रू ही हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म में किसी का आना लिखा हो, तो उस चीज को आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट ना करें, तो प्लीज इसको आप सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए वैसे ज्यादा देरी ना करते हुए यहाँ पर मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। नीलम मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो प्लीज मुझे बताइए मेरी वॉइस और स्क्रीन क्लियर है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मे बी शी इज बिजी, नो इशू। आप चैट बॉक्स में वैसे लिख सकते हैं अगर मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को जहां पर मैं आपको रॉयल क्यू के प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ एंड रॉयल क्यू काम किस तरीके से करता है, यहाँ पर हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं वो यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे चीजों को देख कर समझ के करेंगे सो डेफिनेटली आप यहाँ से काफी अच्छी अर्निंग जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो जैसे आप देख सकते हैं हमारी टीम रॉयल क्यू का, हमारी पूरी रॉयल क्यू फैमिली का है, हम यहाँ पर एक टैगलाइन लेके चलते हैं कि आओ मिलकर हम कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि अगर सभी लोग यहाँ पर कम्युनिटी के साथ गैदरिंग के साथ आगे बढ़ेंगे सो डेफिनेटली यहाँ पर सभी लोग अर्निंग जो है बहुत अच्छी कर सकेंगे। सो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टेक्नोलॉजीज हैं वक्त के अनुसार यहाँ पर चेंज हुई और किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने काफी मतलब बदलाव देखे हैं अपनी लाइफ में। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपके आप जब छोटे रहे होंगे तो आपने उस वक्त से लेके अभी तक जो आप मतलब आप चीजों को देख सकते हैं कितने चेंजेस हमारे सामने अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या था कि स्टार्टिंग में जब इंसानियत की शुरुआत ही हुई थी तब यहाँ पर मतलब पत्थर से पत्थर टकराए, आग का निर्माण हुआ, आग मतलब यहाँ पे दिखा मतलब जलाई गई, मतलब हम खाना वगैरह उसके जो है गैस सिलेंडर्स, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ पाइपलाइंस भी दिख जाएंगी जो बड़े मतलब यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल हैं वहां पर आपको ये चीजें दिख जाएंगी। तो ये क्या है समय के अनुसार किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हुए। देन उसके बाद यहाँ पे जो ये रिक्शा आपको दिख रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ जगहों पर चल रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा चलन में नहीं है जितने बैटरी रिक्शा ने इनों की जगह ले ली है। ऑटो रिक्शाज हो गए एंड जो भी मतलब आप कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजीज पे हम निर्भर हैं वो सभी हमारे आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बेसडर कार्स वगैरह, मतलब जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के लोग होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं लाइक आईएएस आईपीएस एंड जो भी बड़े बड़े रैंक होल्डर्स होते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में, आपको इनके पास जो है ये ऐसी कार्स देखने को अभी भी मिल सकती है। लेकिन वही अगर बात करी जाए अगर टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस की बदलाव की तो यहाँ पर बदलाव इतना ज्यादा हो चुका है कि ड्राइवरलेस कार्स भी मार्केट में अवेलेबल है। आप
मतलब फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि आप अपनी मतलब कह सकते हैं जिस हिसाब से आपको कोई भी रोबोट चाहिए आप अपने हिसाब से वो रोबोट जो है ले पाएंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नोकिया फोन है मुझे हाँ जी नोकिया ही फोन है एक्चुअली। ऐसे मतलब जो कीपैड फोन्स है पास में आपको काफी सारे देखने को मिले होंगे और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इनको यूज भी करा होगा। इसमें सांप सीढ़ी सॉरी सांप का जो गेम है वो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे खेला ही होगा। सो क्या है स्टार्टिंग में ये फोन्स चलते थे लेकिन इन कंपनीज ने अपने आप को बड़ा मतलब कह सकते हैं चेंज नहीं किया इसलिए वो पीछे रह गई और उनकी जगह किसने ले ली इन स्मार्टफोन्स ने जहां पर हम सभी लोग बैठकर जूम मीटिंग ले रहे हैं। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं यहाँ पर टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा मतलब चेंज हो चुके हैं। देन उसके बाद ट्विटर जीमेल मतलब अब हमें किसी को भी लेटर लिखकर भेजने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम फैक्स कर सकते हैं ईमेल कर सकते हैं एंड अगर हमें कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करना है तो हम व्हाट्सएप का मतलब ऐसे करके बहुत सारी डिजिटली चीजें जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है जहां पर हम सेकेंड्स के अंदर मिनट्स के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में दूसरी कंट्रीज में कनेक्ट हो सकते हैं। ये किसकी पावर है ये टेक्नोलॉजीज के आप कह सकते हैं पोटेंशियल है पावर है जो कि वक्त के अनुसार यहाँ पर चेंज हो गई। देन इसके बाद रॉयल क्यू किस तरीके का प्लान है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे लाइक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान हो गए वेस्टीज IMC एनविक एंड मोदी केयर HHI एंड RCM ऐसे करके बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज अभी चल रही है फिलहाल में एंड बहुत सारे लोग वहां पर भी अर्निंग कर रहे हैं लेकिन उनका दौर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जा चुका है। फिर उसके बाद आ जाते हैं बाइनरी प्लान्स पे जहाँ पे 2 लाख को मेंटेन करके आपको यहाँ पर चलना होता है। देन उसके बाद ऑटो पूल प्लान जहाँ पर मतलब क्राउड फंडिंग की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद कॉइन बेस्ड प्लान हो गए। अब जो टाइम है वो है ऑटो रोबोटिक प्लान का यानी कि जहां पर जो चीजें हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से होंगी चेंजिंग इन प्लान ओवर द टाइम मतलब समय के अनुसार योजना में किस तरीके से बदलाव होने चाहिए वो हमें यहाँ पर देखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और रॉयल क्यू क्या है ये आपका एक तरीके का मतलब ऑटो रोबोटिक प्लान है जहां पर आपका बैलेंस आपके पास ही सिक्योर रहता है एंड रॉयल क्यू कनेक्ट आपके बैलेंस से कनेक्ट होकर आपके यहाँ पर ट्रेडिंग करता है। देन इसके बाद पैसे कमाने के तरीके में किस तरीके से बदलाव आया मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जॉब्स भी करते हैं। देन कुछ लोग सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी कमाते हैं और टाइप्स ऑफ मार्केट यानी फॉरेक्स शेयर मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट से भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ से अर्निंग्स करते हैं। वहीं पर अगर बात करी जाए जॉब्स की तो मतलब कह सकते हैं हमारा एक टाइम पीरियड वहां पर डिसाइडेड होता है बंधा हुआ होता है उसके अलावा हम कुछ और कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज करनी है तो उसे हमें टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जॉब्स तो आप सभी लोगों को पता है 9 to 5 9 to 6 एंड 9 to 7 की जो जॉब होती है वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा मतलब कह सकते हैं माइंड जो है खाली कर देती है एक तरीके से। देन उसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ और भी कर पाए। फिर उसके बाद सोशल मीडिया साइट्स यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से भी अर्निंग्स करते हैं एंड आप देख सकते हैं मतलब ऐसे करके बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं लाइक MX टकाटक हो गए फेसबुक हो गया एंड ऐसे करके और भी एप्लीकेशन है जहां से लोग अर्निंग करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट में जो कि मतलब मंडे टू फ्राइडे हमारी 10 to 3:30 3:30 तक चलती है ओपन रहती है। तो ये मतलब चीजें हैं जो आप लोगों को थोड़ी सी पता होनी जरूरी है इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके बता रही हूँ। देन उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ मनी यानी कि अब अगर इन चीजों में बदलाव आया है तो हमारे करेंसीज में बदलाव आने भी लाजमी है। देन उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ शुरुआती दौर में क्या था बार्टर सिस्टम चलता था जहां पर सामान के बदले सामान में लेन देन होता था। फिर उसके बाद गोल्ड में लेन देन स्टार्ट हो गया फिर मेटल कॉइन्स पेपर मनी जो मोस्टली लोग अभी भी यूज करते हैं प्लास्टिक कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे पेटीएम फर्स्ट पॉइंट्स वगैरह आप रिडीम करवा सकते हैं अपनी खुद की करेंसी में। इलेक्ट्रॉनिक मनी ही तो है एक तरीके से जो कि जनरेट हो रही है आपकी ट्रांजेक्शन करने से। देन उसके बाद जो अब एक्चुअली टाइम है वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्रिप्टो करेंसी का। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी वर्चुअल डिजिटल करेंसी जहां पे आप इनको देख सकते हैं बस छू नहीं सकते महसूस नहीं कर मतलब महसूस कर सकते फील कर सकते लेकिन इनको बस टच नहीं कर सकते वो आपको डिजिट्स में नजर आती है कोडिंग के थ्रू यहाँ पर ही
मतलब अवेलेबल रहती है। देन उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है क्या बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर हम किसी को बताए तो बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्रिप्टो में हाईलाइटेड है एंड इसकी, लेकिन बेसिक चीजें, बेसिक नॉलेज जो है आप लोगों को थोड़ी सी होनी जरूरी है। क्रिप्टोस यानी छुपी हुई, एंड करेंसी मीन्स मुद्रा, यानी कि छुपी हुई मुद्रा जो कि मतलब जहां पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, जहां से हमें अच्छी खासी अर्निंग जो है प्राप्त हो जाती है। अगर बात करी जाए मदर करेंसी की, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर बिटकॉइन की, जिसका जो रेट है वो 6 रुपए से लेकर 5 रुपए, 5-6 रुपए से लेकर 30-35 रुपए तक था 2009 में, 2009 में सिर्फ इतनी ही वैल्यू थी। और वही अगर बात करी जाए लास्ट ईयर की 2021 अक्टूबर की, तो इसने लगभग लगभग 50 से लेके 60 लाख तक का रिटर्न भी यहाँ पर मतलब दे रखा है। तो मतलब इसकी इतनी वॉर्थ है, यहाँ पर कम्युनिटी बहुत अच्छी है क्रिप्टो में, क्योंकि कह सकते हैं एक तरीके से एक डिजिटल करेंसी है जिसमें लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर ये बोलूं एक समय था जहां पर ये बना और उसके बाद मार्केट में उतर गया, और आज इसकी मार्केट क्या है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यही रीजन है कि आप सभी लोग यहाँ पर आके इनके प्लान्स को देख रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों को भी पता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो यही है, आने वाला जो दौर है, आने वाला जो टाइम पीरियड है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इन क्रिप्टो करेंसीज पर ही डिपेंड होगा। जैसे आप सब लोगों को पता है आरबीआई भी अपने खुद की करेंसी जो है लॉन्च करने वाली है। देन इसके बाद एग्जांपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी बीटीसी तो है, बिटकॉइन तो है, उसके साथ साथ इथेरियम हो गया, कार्डानो, बीएनबी, एलटीसी, एडा, ये सभी हमारे ऑल्ट कॉइन्स है, क्रिप्टो करेंसीज ही है हमारे बेसिकली। अब इंडिया में क्या राय चल रही है वो तो मैंने खैर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे ही दिया यहाँ पे कि आने वाले टाइम में 2023 में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको इंडियन रुपीज जैसी हमारी क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन जैसी सेम ऐसे ही कोई ऐसी करेंसी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि हमारी इंडियन रुपीज की होगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो नामी चेहरे हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, वो भी इस प्लेटफॉर्म को या फिर ये बोलूं क्रिप्टो को वो यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। वो किस तरीके से, इन एक्सचेंजेस के माध्यम से वो बताते हैं कि भाई आप इनमें इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, लेकिन इसको अडॉप्ट करो, इसको आप स्वीकारो, क्योंकि अगर इसे आप स्वीकारोगे नहीं समय के अनुसार तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। तो अमिताभ बच्चन जी कॉइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर है, रणवीर सिंह जी कॉइनसिच कुबेर के ब्रांड एम्बेसडर है, एंड आयुष्मान खुराना जी जो है इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को भली भांति या फिर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी वो काफी प्रमोट कर रहे हैं। उसका सीधा सा रीजन यही है कि आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत ज्यादा हावी हमारे ऊपर होने वाली है, सेम ऐसे ही जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आज के वक्त में चल रही है। हो सकता है कुछ लोग अभी भी इन चीजों का इस्तेमाल ना करते हो, लेकिन वक्त जो है हर एक चीज जो है सिखा देता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि वक्त के अनुसार अपने आप में चेंजेस लाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिप्टो करेंसीज है वो आपको कहाँ मिल जाती है, आपको नेशनल एक्सचेंजेस पे मिल जाती है, लाइक कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइनसिच कुबेर हो गया, वजीर एक्स हो गया, ये सभी हमारे इंडियन एक्सचेंजेस है। और वही अगर बात करी जाए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की, तो ये सभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है जो टॉप पर रैंक, मतलब टॉप रैंक्स पर आते हैं, टॉप 10 के अंदर आपको ये मिल जाते हैं। बाइनेंस हो गया, हुबी ग्लोबल हो गया, कॉइनबेस प्रो हो गया, ये यहाँ पर आपको सभी करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ट्रेडिंग किस तरीके से होती है क्रिप्टो करेंसी में, आप किस तरीके से ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग के थ्रू एंड ऑटो ट्रेडिंग के थ्रू। मैनुअल ट्रेडिंग क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी करेंसी यहाँ पर बाय करी 500 रुपए में, देन उसके बाद उसका रेट 600 हो गया, तो जो आपका प्रॉफिट निकला वो 100 रुपीज का निकला। जो मैनुअल ट्रेडर्स होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इसी तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जब उनका उन कॉइन्स का रेट कम होता है तो उसे खरीद लेते हैं, और जब उन रेट उन कॉइन्स का रेट अप जाता है तो वो सेल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस ग्राफ पर उनको 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है। तो ये क्या है, ये मैनुअल ट्रेडिंग, ये खुद से ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उसका एक एग्जाम्पल है। देन उसके बाद ऑटो ट्रेडिंग कैसे होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑटो ट्रेडिंग दो टेक्नोलॉजीज पर डिपेंड होती है और रॉयल्टी उन्हीं दो टेक्नोलॉजीज के साथ यहाँ पर वर्क करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एआई टेक्नोलॉजी।
अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये भी आप लोगों को जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रॉयल्टी समझना है तो पहले इन टेक्नोलॉजीज को आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप इन चीजों को कोरिलेट करके जो है देख सके। अब जो है नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन, ये सभी एप्लीकेशंस है। एंड यू एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो सभी के सभी यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। मुझे बताइए पुराने में क्या होता था, एक पूरा रिकॉर्ड रूम होता था। आप चाहे बैंक ले लीजिए एंड गवर्नमेंट सर्विस ले लीजिए, पहले बड़े बड़े रूम होते थे जहाँ पे मतलब हजारों फाइल्स होती थी, जहां पर लोगों का जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। अब भाई वो गलती है, उसका रीजन मैं आपको सीधा सा बता देती हूँ कि क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके रिकॉर्ड्स भी हमें मिल जाते हैं। आप जो भी सेल्फीज क्लिक करते हैं वो 3 से 4 जगह जो है सेफ हो जाती है। अगर आपने अपने फोन के स्टोरेज से उसे डिलीट कर दिया तो वो एक और जगह है जहां पे वो सेफ हो जाती है। जहां पर वो सेफ हो जाती है वहां से जाके आप डिलीट कर जिनको डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड कर सकते। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही है जिसने चीजों को यहाँ पर एक तरीके से एक माध्यम से कनेक्ट कर रखा है। ब्लॉक टू ब्लॉक मीन्स एक मतलब एक तरीके की चैन है जिसने सारी चीजों को यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अब जो क्रिप्टो है वो इसी टेक्नोलॉजी पर यहाँ पर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं चीजें जो है ब्लॉक टू ब्लॉक है। ब्लॉक टू ब्लॉक मीन्स यहाँ पर अगर आपने किसी को रुपीज भेजे हैं डॉलर्स भेजे हैं तो वो उसके एड्रेस पे ही जाएगा, वो उसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंस नहीं है, यहाँ पर किसी का कोई रोल नहीं है, कोई बैंक है यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसको थोड़ा समझ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये मैं आपको थोड़ा सा, एक रोबोट मनुष्य की तरह काम करता है, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स एड ऑन करे गए हैं जहां पर वो बिल्कुल रोबोट है जो भी तरह है वो पूरे इंसानों की तरह दिखता है। देन उसके बाद यहाँ आप ये देख सकते हैं ये जो रोबोट है ये वैक्यूम क्लीनर के साथ यहाँ सफाई कर रहा है, राइट, ये यहाँ पर सफाई कर रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस कार के पार्ट्स को ये रोबोट जो है असेंबल कर रहे हैं। फिजिकल एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल रोबोट्स के। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AI रोबोट्स हमारे यहाँ पर हमारे खुद के फोन में भी अवेलेबल मिल, लाइक गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल मैप्स हो गया, एलेक्सा हो गया, ये सभी लाइव एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जहां पर हम लोग मतलब कह सकते हैं एक तरीके से हमारे जो भी यहाँ पर मतलब कह एक तरीके से जो भी यहाँ चीज होती है सारी हमें बस वहां पर कमांड दे देनी होती है, लाइक गूगल मैप्स। अगर आपको कहीं भी जाना है, अगर कहीं भी जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको बस वहां पे अपनी लोकेशन डाल देनी है, देन उसके बाद जो है वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा देगा। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये AI है। देन उसके बाद वेलकम टू रॉयल्टी प्लान, आप सभी लोगों का स्वागत है रॉयल्टी प्लान में। एंड रॉयल्टी क्या है, एक तरीके का सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, अमेजोन हो गया, ओला, जोमेटो, फोन पे, ये सभी क्या है, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, बस इन्होंने कंपनी से टाई अप कर रखा है और हमें सर्विसेज देते हैं। जो जोमेटो है वो हमें खाने पीने की सर्विसेज देता है, जो ओला उबर है वो हमें मतलब ट्रैवलिंग के हमें यहाँ पे सुविधा मतलब प्रोवाइड करते हैं। ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। सेम ऐसे ही जो रॉयल क्यू है वो आपको जस्ट एक ट्रेडिंग की जो है यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जैसे मैं आपको रॉयल क्यू को या तो आप सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, या तो कोई एप्लीकेशन समझ लीजिए, वो आप डिपेंड करता है। अब का जो एनुअल चार्ज पूरे एक साल का जो चार्ज है $120, यानी कि अभी के रेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 9,500-9,600 रुपए के समथिंग जो है, ये थोड़ा सा जो है अप डाउन जो है वो ये करता रहता है।
देन इसके बाद इस यहाँ पे 1 मिलियन प्लस जो है यहाँ पर डाउनलोडर्स हैं, और अगर वहीं पर बात करी जाए इस प्लेटफॉर्म की, तो बेटर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर ये हम सिक्योर तरीके से 10-50% जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग का हमारा, हमारे हमारा जो अमाउंट होता है उस पर ये हमें दे देता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं टोटल 50 कंट्रीज में ये वर्क करता है जहां पर इसके 1 मिलियन, जी हाँ ये देख सकते हैं आप, ये लाइव स्क्रीनशॉट है, आप तुरंत जाके हमारे जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मतलब इसकी रैंकिंग करी गई है, कितनी कम्युनिटी रॉयल्टी में कनेक्ट हो चुकी है इतने कम वक्त में। देखा जाए तो रॉयल्टी है कहाँ से, ये है कहाँ का सिस्टम, मैं आपको बता देती हूँ। रॉयल्टी का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में, एंड वहीं पर अगर बात करी जाए रजिस्टर कहाँ से, ये रजिस्टर है कैलिफोर्निया यूएसए से, और इसके डॉक्यूमेंट से अगर आपको इसके क्लियर डॉक्यूमेंट्स चाहिए सो आप अपने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके वहां से ले सकते हैं। देन उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या है, ये आपको थोड़ा सा जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्टली लोग यहाँ पर वैसे भी बैठे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जिन्होंने करी होगी या फिर कर रहे होंगे प्रेजेंट में। सो यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट आप इस तरीके से कह सकते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर ऑनलाइन मतलब नेट के थ्रू काम करता है, और यहाँ पर आप फिजिकल वे में काम करवाते हैं, लाइक यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको आप उन्हें छू सकते हैं, राइट, आप किसी को भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये वो यहाँ पर जस्ट आपके मतलब कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है जो आपको सेल करना है, राइट, वो तो खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहां से आप काफी अच्छी अर्निंग जो है ले सकते हैं। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे $120 का जो है मिल जाएगा, एंड मंथली आपको 10-40% जो है मिनिमम रिटर्न जो है ये देता रहता है। और यहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे आप रॉयल्टी को बाय कर लेते हैं ये हमारे 3 एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, क्विक ग्लोबल, बाइनेंस एंड कॉइनबेस प्रो। अब रॉयल्टी काम किस तरीके से करता है एंड प्रॉफिट किस तरीके से आपको यहाँ पर देता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पर क्या है, ये करेंसीज आपको अवेलेबल मिल जाती हैं हमारे रॉयल्टी के एप्लीकेशन में, जैसे आप इसे ओपन करते हैं रजिस्टर करते हैं आपको ये करेंसीज यहाँ पर दिख जाएंगी क्वांटिटी में जाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो एंड बीएनबी, एक्सआरपी, सोलाना, जो कि मतलब टॉप रैंक्स पर करेंसीज आती हैं वो सभी रॉयल्टी में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर वोटिंग भी होती है कि अगर आपको कोई भी कॉइन लिस्टेड कराना है, वो तो खैर बाद का प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन रॉयल्टी इसी तरीके से इन कॉइन्स में ट्रेडिंग करके ये क्या करता है, जब मार्केट डाउन होती है तब ये खरीद लेता है, और जब मार्केट अप जाती है तब ये सेल कर देता है। इसी तरीके से ये बाय सेल लगा लगा के आपका जो है प्रॉफिट किस तरीके से देता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको मंथली जो है 10-60% ऑन एवरेज दे देता है जब आप इन एप्लीकेशन से एपीआई बाइंड कर लेते हैं। अब इसी चीज को मैं कंपेयर करना चाहूंगी जहां पर हम बेसिकली अपना पैसा रखते हैं, अपना फंड रखते हैं। हम बेसिकली जो हमारा फंड है वो हम एफडी के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए लगा के छोड़ देते हैं, देन उसके बाद नॉर्मली जो भी हम हमारी सैलरीज वगैरह आती है, जो भी हमारे नीडेड होते हैं, वो हम अपनी जो भी मनी है हम उसे अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं नॉर्मली। अब उसमें हम ट्रांजेक्शन भी करते रहते हैं, अगर ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं होल्ड करके रखते हैं तो ईयरली आपको 2-4% मिल जाएगा सालाना, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, ये जस्ट एक फिक्स चीज है, राइट। अब क्या है कि वो भी जो यहाँ पर हम लोग एफडी करा देते हैं एक ट्रस्ट पे, कि हम आपको क्या लगता है आप जो भी एफडी कराते हैं वो क्या आपके लॉकर में सेफ रहता है, नहीं, जो बैंकर्स हैं वो क्या करते हैं आपके फंड को वो भी मार्केट में लगाते हैं, फॉरेक्स में लगाते हैं, क्रिप्टो में लगाते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं एंड म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या है कि वो भी हमारे पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, और जबकि यहाँ से रिटर्न भी मतलब मंथली आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने वाला है, सो वो आप यहाँ पर क्यों रखेंगे, सीधी सी बात यही है। देन उसके बाद यहाँ पे किस तरीके के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, नेटवर्कर्स। इन्वेस्टर्स भाई हमारे पास अमाउंट है, हमें ये बताइए महीने का कितना आ जाएगा, आप यहाँ पे रॉयल्टी को मतलब रॉयल्टी एप्लीकेशन को बाय करिए, खरीदिए इसे $120 से, एक्टिवेशन करने के बाद आप यहाँ पे एपीआई बाइंड कीजिए, फिर उसके बाद उसे अपना फंड जो है बैलेंस पे लगा के छोड़ दीजिए, महीने का आपको 10-40% आता रहेगा। देन उसके बाद ट्रेडर,
भाई हम पर डे का अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हम रॉयल की को कोई क्यों ज्वाइन करें? आप रॉयल की को ज्वाइन इसलिए कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ पर सर्कल का लगता है। अगर आप ऑफिशियल ट्रेडर हैं, अगर आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, तो आप यहाँ पे खुद का ग्रुप क्रिएट कीजिए, सर्कल क्रिएट कीजिए। यहाँ से आप उनपे चार्ज लगा के 1%, अगर मान लीजिए 100, ज्यादा नहीं बोल रही मैं, अगर 100 लोग भी हो जाते हैं तो उनका 1-1% मान लीजिए, तो उस हिसाब से $100 तो आपके वैसे भी हो गए। तो सेफ एंड सिक्योर तरीके से अगर इतने पैसे आ रहे, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बुरी बात है। देन उसके बाद नेटवर्कर, हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, अब जो रॉयल के है ये दो तरीके से वर्क करता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर ही दिया। अब वर्किंग नॉन वर्किंग किस तरीके से है, नॉन वर्किंग में आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है बैलेंस में, एंड उसके बाद जो है प्रॉफिट आपका आता रहेगा। फिर उसके बाद वर्किंग किस तरीके से, वर्किंग यहाँ पर रेफर एंड अनपेड चलती है। यहाँ पर जैसे आप किसी को रेफर करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके की इनकम जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। फर्स्ट है हमारे डायरेक्ट सेल प्रॉफिट, देन उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट सेल प्रॉफिट आपको किस तरीके से मिलता है, मान लीजिए आपने आप जैसे एक्टिवेशन करवाते हैं $120 का अपना, उसके बाद $70 जो है इंस्टेंटली एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी कि जो यहाँ पर रैंक होल्डर्स होते हैं उनको चला जाता है, और $14 जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे मिलता है, और $120 में से मात्र 36, जी हाँ मात्र 36, $36 जो है रॉयल्टी अपने पास रखता है, बाकी जितना भी है वो इन रैंक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बराबर बराबर। ये आप देख सकते हैं V1 की रैंक पर यहाँ पर $30 आपको मिलता है, V2 की रैंक पर आपको $40, V3 की रैंक पर 50, V4 पे आपका 60, V5 पे आपका 65, एंड V6 की रैंक पर सबसे ज्यादा आपको $70 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन इसके बाद टोटल $14 जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं V6 की रैंक पर यहाँ पर ग्लोबल पूल इनकम $10 एंड प्लस पेयर एक्टिवेशन $4 यहाँ पर किस तरीके से मिलते हैं, जैसे आप V6 रैंक अचीव करते हैं तो $10 जो है ग्लोबली आपको यहाँ पे मिलता रहता है। देन इसके बाद पेयर एक्टिवेशन इनकम यहाँ पे किस तरीके से काम आती है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे आप मान लीजिए V4 है और आपके डाउन में कोई V4 निकल गया तो क्या होगा, आपको $1.50 जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई जो आपके डाउन में है उसका तो भाई वो तो अभी रिसेंट में हुआ है, नया नया हुआ है, तो जो भी इनकम होती है वो तो उसके पास ही आएगी। अगर आपके डाउन में कोई V4 है और उसने कोई एक्टिवेशन करवाया तो आपको $1.50 जाएगा पर एक्टिवेशन पे। देन उसके बाद V5 की रैंक पर $1.50 एंड V6 की रैंक पर $1 यहाँ पर सेम सिचुएशन में हो जाता है। देन उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ पर किस तरीके से मिलता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपने ट्रेडिंग करी, आपका 100% जो प्रॉफिट है वो आ गया। अब 100% में से रॉयल क्यू क्या करता है, 80% आपको दे देता है, क्योंकि वो आपका मतलब आपका ही फंड है तो 80% आपका हुआ, प्लस 20% जो प्रॉफिट है ट्रेडिंग का वो तुरंत के तुरंत एफिलिएट में बांट देता है, यानी जो भी यहाँ पर रैंक होल्डर्स होते हैं ट्रेडिंग का प्रॉफिट उनको भी जाता है। वो किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। B1 की रैंक पर आपको यहाँ पर 4% का ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको मिल जाता है, B2 की रैंक पर आपको 6%, B3 की रैंक पर आपको 8%, V4 की रैंक पर आपको 10%, V5 की रैंक पर आपको 11%, एंड वहीं पर बात करी जाए अगर V6 की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज में आपको यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाता है, और वहीं पर आप देख सकते हैं 16% तो रॉयल क्यू ने यहाँ पर बांट दिया, जो मतलब कह सकते हैं 12% यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट रैंक्स में बढ़ गया, प्लस 4% जो है सेम ऐसे ही पियर ट्रेडिंग प्रॉफिट में चला जाता है, और जो 4% है मतलब 20% रॉयल क्यू ने लिए, और 20% में से भी उसने मतलब अपने पास नहीं रखे, अपने पास सिर्फ 4% रखे, बाकी के 16% उसने एफिलिएट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। देन उसके बाद जब आप V6 रैंक होल्डर बन जाते हैं तो यहाँ पर 2% जो है यहाँ पर ग्लोबल डिविडेंड आता है, जो कि सबसे ज्यादा है B6 रैंक में, यहाँ पर मतलब बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो कि मंथली आता है। देन उसके बाद रैंक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर एक्टिवेशन करते हैं आपकी रैंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली B1 हो जाती है। अब B2 रैंक को यहाँ पर हासिल करने के लिए टोटल आपकी टीम जो है 20 लोगों की होनी चाहिए, जिसमें से 3 लोग जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए। फिर उसके बाद B3 की रैंक अचीव करने के लिए टोटल 100 लोग होने चाहिए, एंड
तीन V2 होने चाहिए, पांच लोग जो है आपके डायरेक्ट होने चाहिए ओवरऑल। एंड वहीं पे बात करी जाए अगर V4 की, तो V4 रैंक अचीव करने के लिए आपके 300 लोग यहाँ पे टीम होनी चाहिए, मतलब 300 पीपल की आपकी टीम होनी चाहिए, तीन V3 और 8 लोग डायरेक्ट होने चाहिए। देन इसके बाद V5 की रैंक पर आपके यहाँ पे 800 लोगों की टीम, 12 लोग डायरेक्ट एंड 3 V4 जो है यहाँ पर कंपलसरी आपके होने। देन उसके बाद V6 की रैंक अचीव करने के लिए मात्र आपको 1500 लोगों की टीम चाहिए, यानी 1500 लोगों की टीम चाहिए, 3 V5 चाहिए और 20 यूजर्स मतलब आपके डायरेक्ट होने चाहिए। मतलब इतनी छोटी सी रिक्वायरमेंट है अगर अदर मार्केटिंग फील्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, जो कि मतलब काफी बेहतरीन है। और V6 की रैंक पर मोस्टली ड्रीम्स जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के करते हैं तो। ये इसके लाइव ट्रेडिंग प्रॉफिट्स है, ये आप देख सकते हैं, एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट रॉयल क्यू ने यहाँ पर सभी यूजर्स को यहाँ पर दिया है। और लाइफ आपकी है तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिया। एंड जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर काफी सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप यहाँ पर आके अपना कीमती वक्त देते हैं। और मैं देख पा रही हूँ अभी भी मतलब काफी सारे लोगों की गैदरिंग है और देखकर अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों आई होप कि कुछ चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई सो नो प्रॉब्लम, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको मतलब जो चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आई, इट्स ओके, कोई बात नहीं। क्योंकि कुछ चीजें स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में एकदम से कोई चीज समझ में नहीं आती, बस चीजों को अगर आप कंटिन्यूअसली सीखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर पहुंच जाते हैं। अब एक दो लोगों की मैं शेयरिंग लेने के बाद फिर हमारे जूम सेशन के एंडिंग की तरफ बढ़ूंगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे बड़े लीडर्स भी अवेलेबल नहीं है और मेरा गला भी थोड़ा सा खराब है। एंड मोइसर अगर आप अवेलेबल हैं सो प्लीज एक बार मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। आई थिंक मोहिसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नो इश्यू दोस्तों। सो जो आपको लिंक प्रोवाइड हुआ था उसी लिंक पर आप क्लिक करके रेगुलर बेसिस पे ये जो हमारे वेबिनार होता है रात को 9 बजे, आप इसमें आ सकते हैं एंड अपने सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि जो भी यहाँ पर मतलब प्लान प्रेजेंट होता है इसकी एक एक चीजें जो है आपके सभी लोगों को पता होनी चाहिए अगर वो रॉयल क्यू करना चाहते हैं तो। क्योंकि नेगेटिव चीजें तो हर कोई शेयर कर देता है, पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम पड़ जाती है, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी कम ना हो उसके लिए मैं दोस्तों आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आप इस ग्रुप के लिंक को और इसमें पॉजिटिविटी बनाने के लिए थोड़ी सी इसकी नॉलेज आप लेते रहिए, जिससे कि मोस्टली चीजें जो है आपको क्लियर होती रहे। अभी मैंने चैट बॉक्स में आप सभी लोगों के लिए हमारे जो ग्रुप्स वगैरह जहाँ पर हम मोस्टली एक्टिविटीज करते रहते हैं, लोगों को यहाँ पर हम नॉलेज जो है प्रोवाइड करते रहते हैं, सो इन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन एवरीवन कि आपने यहाँ पर अपना कीमती वक्त देकर हमारा इस सेशन को आपने अटेंड किया, और दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन अगेन। एंड मिलेंगे अपने कल के सेशन में, कल के जूम सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों